खुद ही कह रहे हैं, हम जांच के लिए आगे बात कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार कहाँ हैं, उनकी भूमिका भी जांच करनी चाहिए कि ये वास्तव में ये तेल का खेत कहाँ तक हो रहा है, कौन शामिल है और वास्तव में इसको खुलना चाह रहे हैं या फिर इसको दबाने का प्रयास किया। आज पुलिस किस भूमिका में आप देख रहे हैं, एसपी साहब वास्तव में ईमानदार है, इसमें मैं कहना चाहता हूँ, परंतु जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है इसमें मुझे संदेह लग रहा है कि ये निष्पक्ष कार्रवाई, इन पर प्रेशर है, इनको नहीं करने दी जा रही। इसलिए मैं मांग करना चाह रहा हूँ कि ये जो राष्ट्रीय संपत्ति है इसका जो जिस तरह से ये दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, जो भी दोषी हो उन सबको इस जांच के दायरे में लाना चाहिए और उसकी जांच की जानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर सही जांच होगी तो बहुत बड़ा इसमें खुलासा होगा और कई बड़े बड़ी हस्तियां इसमें इस खेल में शामिल होंगी। सर मेरा बड़ी हस्तियों से मीडिया के माध्यम से यही निवेदन है कि सही जांच हो, ईमानदारी से जांच हो, झूठा कोई फंसे नहीं और सही जो वास्तव में वो उसमें जो इनोल है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे तक की जांच, चाहे केन के अधिकारी हो, चाहे अन्य भी कोई इसमें कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे सप्लायर हो, कोई भी हो, जो भी इसमें इनोल हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस सख्ती से रुके और भविष्य में ऐसा कोई नया खेल नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि ये निष्पक्ष कार्रवाई और उच्च स्तरीय कार्रवाई होनी चाहिए। उच्च स्तरीय कार्रवाई से क्या तात्पर्य है, क्योंकि विधायक सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं, आप उसके पक्ष में हैं या नहीं सीबीआई जांच के? मैं तो कहता हूं कि भाई तो विधायक साहब के बारे में कहना तो नहीं चाह रहा हूं, पर वो किस गाड़ी में घूम रहे हो, गाड़ी किसकी है ये भी तो पता कर लो, गाड़ी किसकी है सर, नाम किसकी गाड़ी है, वो इसमें उसका नाम है या नहीं है ये भी पता कर लो, ये क्या नहीं, आप सीबीआई जांच के पक्ष में हैं या नहीं? मैं तो सीबीआई की बात, मैं तो कह रहा हूं उच्च स्तरीय में सारा आ गया, मैं तो कहा उच्च से उच्च स्तर से जांच हो ताकि ये सही स्थिति सामने आए। मैंने कहा, मैंने विधानसभा में भी पहले रखा था, अगर उस समय ये हो जाता तो आज स्थिति पैदा ही नहीं होती और इतना राजस्व नुकसान भी नहीं होता। आज मैंने ये भी कहा कि सिर्फ राजस्थान में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी ये जो तेल बाहर गया। अब तक की जो पुलिस की जांच है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? इससे मैं संतुष्ट अपने आप में संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ आप एक ड्राइवर और इनको इसमें पकड़ कर ये कार्रवाई करके ख़त्म करना चाह रहे हैं, शायद इन पर प्रेशर है, भगवान जाने क्या है। मेरा तो एक ही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, ईमानदारी से जो भी इन्होंने कोई छूटे नहीं, कोई वो बने चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ठेकेदार हो, कैन के बड़े बड़े अफसर हो, कैन के खाली गेटमैन या इन टैंकरों के ड्राइवरों से ये चोरी नहीं हो, इसमें अफसर है, अफसरों को बचाया जा रहा है, तो उन पर उनकी भूमिका देखें और सही निष्पक्ष जांच करें। सर जिस तरीके का तेल का जो पूरा सिक्योरिटी पॉइंट है उसमें इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो क्या लगता है आपको? नहीं, खुलासा कहाँ हुआ, मतलब जो भी अभी तक बड़ा ये लीक हुआ है, मतलब यहाँ से लीक हुआ है तो ठेकेदार आपस में लड़े, उन्होंने लीक किया, ये कोई कैन ने नहीं किया। कितना बड़ा घोटाला आपके हिसाब से? मैं तो कह रहा हूँ बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच भी जाए, पर मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान में नहीं बाहर प्रदेशों में भी तेल गया, क्रूड गया, तो ये घोटाला आप अपने आप में समझ लो कि कितना बड़ा घोटाला होगा, कितना राजस्व नुकसान होगा, इसलिए इसकी जांच की जाए। जो भी कह रहे हैं, चाहे कोई एमएलए हो, एमपी हो, नेताओं की बात आ रही है, नेताओं की बात करें, वो नेताओं को चाहिए कि भी इसमें आप खाली स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा, आप इसमें सहयोग करो और वास्तव में जो इनोल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खाली एक स्टेटमेंट देके राजी हो गए या मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजी हो जाऊँ, इससे संतुष्ट नहीं। मैं पहले दो बार शिक्षक से इस बाबत मिल चुका हूँ और उनसे भी मैंने पूरी चर्चा भी की, बात भी की कि भाई ये जो हो रहा है आप इसमें इसकी तह तक पहुँचो। सर आने वाले दिनों में आप इस मुद्दे को कहाँ कहाँ उठाएंगे, चाहे विधानसभा हो या पार्टी प्लेटफॉर्म पे हो? नहीं, सही जांच के लिए विधानसभा में उठाएंगे, आगे भी जहाँ हमें उठाना है वहाँ उठाएंगे, सही जांच हो, ये निष्पक्ष जांच हो, झूठा इसमें कोई फंसे नहीं, दोस्त झूठा। सर अभी तक कोई झूठा फंसा है क्या नेता कोई? सब में नेता की बात तो अभी आई नहीं किसी, अभी तक तो ड्राइवर ही पकड़े हैं तो पकड़े अभी तो बात ही नहीं, यही आई, कोई दूसरे बड़े की बात ही नहीं है, कॉन्टेक्ट करना दूसरों की बात ही नहीं है। अगर सर कोई कांग्रेस का नेता शामिल होता है तो? सर कोई वो कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है, ये राष्ट्रीय संपत्ति,
और इसमें कोई हो, सत्यता सामने आनी चाहिए। तो ये प्रकरण शुरू के काफी दिन हो गए, आपने बहुत देरी से बयान दिए। मैं इससे पहले आप एसपी साहब से पूछे, मैं दो बार इस बाबत मिल चुका हूँ, और जहाँ स्टेटमेंट की आवश्यकता है आज मैं मेरा स्टेटमेंट भी दे रहा हूँ कि भाई सही जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, गलत कोई फंसे नहीं, आपके सामने ही बाई टू विधायक की गाड़ी का मामला था, वो क्या था? अभी अखबारों में आया, पता नहीं क्या है, मैंने तो वही पता था क्या गाड़ी को रहता नाम उसके नाम की है, आपस में कोई उनके लड़ाई हुई, उसके कहानी पूरा खेल ही वहीं से हुआ, ये खुला है जो तेल प्रकरण वहीं से शुरू हुआ। मतलब बाई टू विधायक, इसका पता बाई टू विधायक से नहीं, उस गाड़ी से, मतलब बाई टू विधायक से जुड़ा की, मैं उस गाड़ी की बात कर रहा हूँ जो रावताराम के नाम से गाड़ी है, उससे ये शुरुआत हुई है, और ये शिकायतें हैं, वहाँ से गाड़ी ये पकड़ा पकड़ा हुआ और वहाँ से ये आगे बढ़ा। नहीं, रावताराम जो इसमें किरदार है वो ये मामला उठा रहा है या वही वो बाई टू विधायक? बाइक की बजाय की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ गाड़ी किसकी थी, उसकी वजह से ये मुद्दा जिस नाम से है उसके वजह से ये खुला। आपका कहना है रावताराम इसमें सस्पेक्टेड है सबसे ज़्यादा? नहीं, रावताराम तो इसमें जो है अब इसमें रीजन भी बता दी रावताराम तो मैं तो चलता हूँ कोई अच्छी बात है, अगर वो करते हैं तो मैं तो स्वागत करता हूँ कि वो करवा जाँच। आप समर्थन में हम नहीं, हम वो करें, अगर निष्पक्ष जांच करने के लिए वो है तो हम उनके साथ हैं, कोई भी हो, ये सबकी संपत्ति है, किसी एक पार्टी की नहीं है, ये किसी एक घर की नहीं है, राष्ट्रीय संपत्ति है, और राष्ट्रीय संपत्ति का हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि भाई मेवाराम जी, क्या मेवाराम जी सीधा सीधा किसी जनप्रतिनिधियों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो भी पूरे मामले में इसमें शामिल थे? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आरोप ये लगा रहा हूँ कि सबको जनप्रतिनिधि कोई हो इसमें किसी का सपोर्ट नहीं करे, और जो भी इन्वॉल्व हो उनके कार्रवाई में सहयोग करे। ये आपने एक बयान दिया कि बायतू विधायक जिस गाड़ी में घूम रहे हैं उस गाड़ी से रिलेटेड ये पूरा केस जो है उसके बाद में खुला है, इसका क्या कारण है, कैसे क्या इसको समझा क्या जा सकता है, क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है? मैं तो जनता को और पुलिस को कम से कम ये पता चलना चाहिए ना कि आपके पास इस मामले में इतनी बड़ी जानकारी है। मैंने तो ये कहा कि गाड़ी किसी रावताराम के नाम से है और उसका टैंकर या उसका इसमें तेल में टैंकर चल रहा है, और वहाँ से ये प्रश्न उठाया गाड़ी, इस गाड़ी का टैंकर का गाड़ी टैंकर रावताराम और कैलाश चौधरी एमएलए का क्या लिंक क्या है? आपने कहा ना कि कैलाश चौधरी जिस गाड़ी में घूमता है उस गाड़ी में पता करेगी क्या है या क्या नहीं है, मैंने तो सुनी कहीं कहीं आपका इशारा विधायक के ऊपर है कि वो भी विधायक ने तो शिकायत की है उसकी क्या भाई ये तेल पकड़ा गाड़ी पकड़ाई है विधायक में, ये थोड़ी कराऊंगे इन्वॉल्व है वो, ये तो नहीं कहा, मैंने कहा विधायक ने तो उनकी शिकायत की पकड़ाने में। नहीं सर, समझा तो ये जाए ना कि विधायक जिस गाड़ी में घूमते हैं उस जो वो गाड़ी है रावताराम नामक एक व्यक्ति की, ये कह रहे हैं और वो गाड़ी आरोपी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात चल रही है कि जो गाड़ी रावताराम की है और ये विवाद वहीं से उठा है, ये बात चर्चा में है, अब सत्यता पुलिस करे लगाओ इसकी मुझे जाननी। सर बताया जा रहा है कि किसी नेता का नाम भी इसमें आ सकता है, मुझे इस बात का ध्यान।